अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने लंच में चना पुलाव बनाने का सोचा। उसके लिए मैंने 2 कप चावल ले लिए और उनको अच्छे से धोकर भिगो लिया। एक टोमेटो, एक ओनियन, उनको काट लीजिए, और 2 सब्ज़ मिर्च लिए हैं मैंने, उसको काट लिए। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप उबले हुए चने, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी। हस पे ज़रूरत आप जितना डालना चाहें डाल सकते हैं। मैंने 2 मोटी इलायची लिए, थोड़ा सा अजीनोमोटो, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, 3 से 4 तेज़पात और थोड़े से लौंग, कुछ साबुत सब्ज़ मिर्च ले लिया। आइए अब हम इसको पकाते हैं। देखिए में ऑयल डालें, ऑयल हस पे ज़रूरत डाल लें। 1 प्याज जो मैंने काटा था, आप उसको ऑयल में डाल के अच्छे से पका लीजिए। साथ साथ जो मैं मसाले डालूंगी आपको बता दूंगी। प्याज देखिए हल्का सा ब्राउन हो गया। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और फिर इसमें अपने मसाले शामिल करूंगे। अब मैंने इसमें ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, तेज़पात, मोटी इलायची शामिल कर दिया, काली मिर्च। थोड़ी देर में इसको पका के फिर इसमें टोमेटो शामिल करूँगी। अब मैंने इसमें टोमेटो डाल के साथ में थोड़ा सा पानी डाल दिया। हल्दी, लाल मिर्च, नमक, ये सब शामिल करके इसका मैं बहुत हल्की सी आंच पे दम दे दूंगी 2 मिनट के लिए, ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। ये देखिए अभी मसाला पक रहा है। 2 मिनट और मैं इसको पकाऊंगी और उसके बाद में चने शामिल कर दूंगी। अब देखिए मेरा मसाला पक के तैयार हो गया। इसमें साबुत और मैं ये कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर लेती हूँ, साथ ही अजीना और ये चने उबले हुए हैं। चनों को अच्छे से भूनकर इसमें मैं 2 कप चावल हैं तो 4 कप पानी मिला लूँगी। देखें 1 कप चार कप जितना पानी आपने डालना भी डाल लीजिए, क्योंकि उसके बाद पानी डालेंगे तो फिर चावल आधा कच्चा आधा पक्का रह जाएगा। इसके उबाल आने पर फिर मैं चावल डाल दूंगी। ये देखिए पानी बॉयल हो रहा है, अब मैं इसमें चावल मिला लूंगी। चावल का पानी निकाल कर आप सारे चावल आप इसमें शामिल कर लीजिए। ये देखिए पानी अब इसका सूख चुका है, हम इसको अपने देसी तरीके से दम देंगे। ये देखिए मैं इसको दम दे रही हूँ, इसको अच्छे से ऊपर से दबा दीजिए और फ्लेम बिल्कुल इसका लो कर दीजिए। 10 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे, उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। फिर चावलों का दम अब मैं खोलूँगी। ये देखें चावल बिल्कुल तैयार हैं।
चूल्हा बिल्कुल बंद करके 5 मिनट के लिए इन्हें खुला छोड़ दें ताकि इनकी स्टीम निकल जाए। ये देखिए अब मैं इसको हिला लूँगी। चावल देखिए हमारा कितना खड़ा खड़ा है, कोई टूटा नहीं। लीजिए मज़ेदार सा चना पुलाव तैयार है। इसे मैं हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।